मक्का में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा की चाबी किसके पास है? मुसलमानों के सबसे पवित्र धर्म स्थल काबा की चाबी के संरक्षक डॉ सालेह बिन जैनुल आबेदीन अल शेबी का निधन हो गया है। काबा के दरवाजे की चाबी डॉ सालेह के पास ही रहती है। माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के जमाने में ही उनके खानदान को यह चाबी मिली थी और तब से ही यह परिवार के पास है। सदियों से डॉ साहेल बिन जैनुल आबेदीन के परिवार के पास इस चाबी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। डॉ सालेह अल शेबी परिवार के 109वें वारिस थे जिन्हें इस चाबी को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। 2013 में अपने चाचा अब्दुल कादिर ताहा अल शेबी के निधन के बाद डॉ सालेह को ये चाबी सौंपी गई थी। उम्म उल कुरा यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज में पीएचडी करने वाले डॉ सालेह का जन्म 1947 में मक्का शहर में हुआ था। मक्का को इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में एक टीचर के रूप में कई साल तक पढ़ाया। उन्होंने इस्लाम से जुड़े कई शोध लेख और किताबों का प्रकाशन भी किया। काबा की चाबी की जिम्मेदारी चाबी उस्मान बिन तलहा से ले ली गई थी, लेकिन फिर अल्लाह के आदेश पर वापस इसे उन्हें सौंप दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं ये चाबी उस्मान बिन तलहा को दी थी और तब से ही उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस चाबी को संभालता आ रहा है। ये उल्लिखित है कि पैगंबर मोहम्मद ने ये चाबी उस्मान को देते हुए कहा था, काबा की ये चाबी हमेशा आपके पास रहेगी और किसी जालिम के अलावा आपसे ये चाबी कोई नहीं ले पाएगा। साल 1942 से पहले काबा का दरवाजा किसने बनवाया और कैसे बनवाया, इसका इतिहास में अधिक जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि 1942 में इब्राहिम बद्र ने चांदी का दरवाजा बनवाया था। इसके बाद 1979 में इब्राहिम बद्र के बेटे अहमद बिन इब्राहिम बद्र ने काबा के लिए सोने का दरवाजा तैयार करवाया था। इस दरवाजे को 300 किलो सोने से बनवाया गया था। काबा के पूर्व संरक्षक शेख अब्दुल कादिर के दौर में शाह अब्दुल्लाह के आदेश पर काबे के ताले को बदला गया था। उस वक्त के प्रिंस खालिद अल फैसल ने काबा की सफाई के मौके पर नया ताला और चाबी शाह अब्दुल्लाह की तरफ से शेख अब्दुल कादिर को सौंपी थी। जब लंबी बीमारी के बाद शेख अब्दुल कादिर की मौत हुई, तब डॉ सालेह बिन जैनुल आबेदीन अल शेबी इस चाबी के नए संरक्षक बने। इतिहास में काबा के ताले और चाबी कई शासकों ने कई बार बदले हैं। पारंपरिक रूप से काबे की चाबी कुरान की आयतों की नक्काशी वाले बैग में रखे जाते हैं। हाल के सालों में काबा के संरक्षक की जिम्मेदारी ताला खोलने और बंद करने तक ही सीमित है। हालांकि सऊदी आने वाले राजकीय मेहमानों के लिए सऊदी अरब का शाही कार्यालय, गृह मंत्रालय या आपात सैन्य बल चाबी के जरिए इस ताले को खोल पाते हैं। इसके अलावा इस्लामी कैलेंडर के मुहर्रम महीने की हर 15वीं तारीख को शाही आदेश पर चाबी के संरक्षक काबा के दरवाजे को खोलते हैं ताकि काबा को नहलाया जा सके। काबा का मौजूदा ताला और उसकी चाबी 18 कैरेट सोने और निकल से बने हैं, जबकि काबा का भीतरी दलान हरे रंग का है। ताले और चाबी पर भी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। तुर्की में संग्रहालय में ऐसी 48 चाबियां रखी हैं जिनका इस्तेमाल उस्मानिया सल्तनत के तत्कालीन गवर्नर काबा को खोलने के लिए करते थे, जबकि सऊदी अरब में इन चाबियों की शुद्ध सोने से बनी कॉपियां रखी हैं। काबा की चाबी की हो चुकी है नीलामी। 12वीं सदी में बनी काबा की एक चाबी की नीलामी साल 2008 में 1,81,00,000 डॉलर में हुई थी। लंदन में इस्लामी जगत की कलाकृतियों की नीलामी के दौरान एक अज्ञात खरीदार ने ये चाबी खरीदी थी। काबा की जिस चाबी को नीलाम किया गया था वह लोहे की बनी थी और 15 इंच लंबी थी। इस चाबी पर लिखा है, इसे खास तौर से अल्लाह के घर के लिए निर्मित किया गया है। लंदन में नीलाम हुई काबा की चाबी एकमात्र ऐसी चाबी है जो किसी की निजी मिल्कियत है। इसके अलावा काबा की 58 चाबियां अलग अलग संग्रहालयों में हैं। आपके परिवार की विरासत इस्लाम के दिल की रक्षा करती रहेगी।